आप कल आइएगा कल। पुष्पा जी, ये मैडम सर भी ना हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देती है। मतलब? सुना नहीं तुमने अंदर मैडम सर ने क्या कहा? उन लड़कियों के साथ जो डट कर मुकाबला कर पाएगा वही वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाएगा। अब हमारे अलावा उनके साथ डट कर मुकाबला कौन कर सकता है बताओ? मतलब कुछ भी, इमारत खंडहर हो गई लेकिन देखो कॉन्फिडेंस बुर्ज खलीफा वाला है। अरे पुष्पा जी, अगर साड़ी पहन के हम बिंदी लगा लेना तो आपसे ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। बेवकूफ, खूबसूरती सिर्फ शक्ल से नहीं होती, अदाओं से भी होती है। किस चीज से? अदाओं से। बाप रे बाप। और हम में तो अदाएं कूट कूट के भरी है। ओहो, के आसिफ अगर हमें देख लेते ना तो मधु की जगह हम होते मुगले आजम में। अगर पुष्पा जी मधुबाला है तो हम धर्मपा जी है। ये धर्म है तो मैं सलमान हूँ। नहीं, तुम तो सलमान खान लगते भी हो। तेरे नाम में इंटरवल के बाद सलमान खान से मैसा हो गया था, टकला सा। ओहो, हम भी कहाँ भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। पुष्पा जी, आपको ना थोड़ी और अदाएं दिखानी पड़ेगी तभी ये मानेंगे। सही बोली संतू जी, एकदम सही बोली। पुष्पा जी, यही एक मौका है, दिखाओ अपना उम्र, मतलब उमराओ जान वाला अदा। हाँ, दिखाओ दिखाओ, चलो चलो दिखाओ, दिखाइए पुष्पा जी, कम ऑन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट पुष्पा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत मजा। क्या हो गया पुष्पा जी, चीटी घुस गया है क्या कपड़ा में? नहीं, वो पुष्पा जी फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रही है। हाँ। अच्छा, आप पार्टिसिपेट करेंगी? हाँ, अब करना ही पड़ेगा ना, मैडम सर की इतनी उम्मीदें जो है हमसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है उन्होंने, अब उनका भरोसा थोड़ी ना तोड़ सकते हैं हम। एक मिनट पुष्पा जी, हमने आपसे कब क्या कहा? मैडम सर, हम आपको भी तो अच्छे से जानते हैं ना, जब आप अपने तजुर्बे से कुछ भी कहती है ना तो हम भी हमारे तजुर्बे से सब कुछ समझ लेते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। आपने क्या कहा था? उन लड़कियों को डट कर मुकाबला करने वाला। अब आपका इशारा हमारी तरफ है, ये हमने झट से पहचान लिया। माफ कीजिए पुष्पा जी, लेकिन इस बार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हमको? जी, दरअसल महिला पुलिस थाने को आप नहीं, संतोष शर्मा रिप्रेजेंट करेंगे। सिखा देंगे संतु को। वाह मैडम सर, वाह मैडम सर, वाह मैडम सर, बिल्कुल सटीक चुनाव की है आप इसके लिए, मतलब हमने एकदम दिल से खुश है। थैंक यू वेरी मच मैडम सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? वो क्या है ना कि मुजरिम जिंदा चाहिए पुष्पा जी, इसलिए संतू जा रही है रैंप वॉक करने। आप रैंप वॉक करेगी तो मुजरिम के साथ साथ जितने लोग बैठे हैं ना, सबकी जान को खतरा हो सकता है। मॉडल्स रेडी हैं करिश्मा सिंह जी? अंदर है मैडम से, चलिए चलिए चलिए। संतू जी ऑल द बेस्ट, संतू जी। यार बिलोटे यार, कितना खुशी का बात है ना कि मतलब संतू जी मॉडल बनेंगी और संतू जी रैंप पर चलेंगी। यार बिलोटे, कितना ज्यादा अच्छा होगा ना बिल्ले? ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो? ले, अरे क्या बिल्ले, क्यों नहीं खुश होगा? हाँ। अरे संतू जी अभी तुझे भाव नहीं दे रही, तो मॉडल बन के तो लड़की भी नहीं देखेगी। कन्फर्म कन्फर्म नहीं देखेगी। सच बोल रहा है बिल्ले? सच मतलब बिल्कुल सच। देखो अभी क्या है, मॉडल बन जाएगी। हाँ। फिर मॉडल बन के हीरोइन बन जाएगी। हाँ। तो हीरोइन को पता था कौन है? हीरो। और इस जन्म में तुम हीरो, असंभव, चांस नहीं। कल के इवेंट के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, आपकी सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है। मुझे डर लग रहा है मैम, मैं कल के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। देखिए आप घबराइए मत, हम हैं। कैसे ना घबराए मैम, ये देखिए ये लेटर अभी कुछ ही देर पहले मुझे मिला है और इसमें साफ साफ लिखा है कि इवेंट चाहे महिला पुलिस थाना में हो, लेकिन अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी।
दीजिए जरा। ये किसने दिया आपको? वो चौक पर एक बच्चा आकर देकर गया, उसने कहा कि उस अंकल ने दिया है। उसने वहां इशारा भी किया जहां वो खड़ा था, लेकिन वो वहां से जा चुका था। वेन्यू चेंज करने के बाद हमने अभी अभी मैनेजर को बताई है, तो फिर कॉलर तक ये बात पहुंची कैसे? आप में से किसी के पास आया ऐसा लेटर? नहीं। पर क्या फर्क पड़ता है मैडम, जान का खतरा तो हम तीनों पे है। और फिक्र की बात तो ये है कि उन्हें पता है कि यह इवेंट महिला पुलिस थाना में होने वाला है, फिर भी वो हम पे हमला करने से कतरा नहीं रहे। देखिए आप घबराइए मत, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आपको कुछ नहीं होगा। पता नहीं मैडम, कल वो थ्रेट कॉल्स और आज ये लेटर्स, मुझे नहीं लगता मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। हाँ मैडम, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मैं भी पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन मैं आऊंगी मैम, मुझे महिला पुलिस थाना की टीम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे बचा लेंगे, मैं कल के इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। हमें एक चीज अब भी समझ नहीं आ रही है कि एक ब्यूटी पेजेंट में कोई तीन लड़कियों को पार्टिसिपेट करने से क्यों रोकेगा, उसका क्या फायदा होगा? कोई सर फिर आशिक है जो नहीं चाहता कि ये लड़कियां कंपटीशन में भाग ले और आगे बढ़े। गली मोहल्ले से निकल के जब लड़की आगे बढ़ जाएगी तो भाव नहीं मिलेगा ना इनको। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि तोते की तरह सब उगल देगा वो। फिर वही कंटाप। संतोष शर्मा, इस कंपटीशन में आप वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। आप वहां लड़कियों के साथ रहेंगी, बाकी सब कुछ हम मॉनिटर करेंगे। पर मैडम सर, अभी इवेंट में सिर्फ मैं और सोनाली रह गए, युक्ति और भाविका ने तो ना बोल दिया। फिर तो ये मुकाबला सिर्फ नाम का रह गया। अगर ये दोनों नहीं रहेंगी तो सोनाली के लिए तो ये जीत आसान होगी। भाविका और युक्ति पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग तैयारी कीजिए। क्या आप लोग भाग लेने के लिए तैयार हो गए? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैडम सर, कैसे किया है ये चमत्कार आपने? भाविक और युक्ति, आप लोग जाइए और इवेंट के लिए तैयार हो जाइए। जी मैडम। मैडम बड़े ताज्जुब की बात है, मैं तो इन्हें कल से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने ऐसा किया क्या? सरकार ने अगर हमें महिला पुलिस थाना दिया है संभालने के लिए तो कोई तो खूबी होगी। अहम ये नहीं है कि उन लड़कियों को हमने मनाया कैसे, अहम ये है कि अब उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और साथ साथ उस मुजरिम को पकड़ना भी, इसलिए सब लोग अलर्ट रहिए। चीता कहाँ है? बस आता ही होगा। संतोष शर्मा, चीता को फोन करिए और उससे कहिए कि हमने उसे जो काम दिया है वो जल्द से जल्द करके आए। यस मैडम सर। आप लोग तैयार रहिए, वहां पर जजेस भी होंगे और हमारी बात उस मुजरिम तक पहुंचे इसलिए हमने मीडिया को भी बुलाया है। आज एक बार फिर लखनऊ महिला पुलिस थाना एक अनोखे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ये इवेंट आने वाले फाइनल का मॉक रिहर्सल है। हसीना मलिक के गार्डन्स में आज पहली बार एक फैशन इवेंट में एक लेडी पुलिस ऑफिसर पार्टिसिपेट कर रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले महिला पुलिस थाने को बेस्ट थाने के अवार्ड से नवाजा गया था। अभी देखते हैं ये पुलिस ऑफिसर अपनी फाइनल में जगह बनाती है या नहीं। आप सभी अपने चेयर्स पर दिल थाम के बैठ जाइए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर एस्टीम जजेस, ख्याति जी, राउंड ऑफ अप्लॉज, एंड नवीन जी। एंड स्पेशल थैंक्स टू SHO हसीना मलिक। यार ये बोलता ही रहेगा या शो भी शुरू करेगा? क्या बता। तो चलिए शुरू करते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस लखनऊ। करिश्मा सिंह, मार्केट एरिया बंद है। बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं उन सब पे हमारी नजर है। आप टेंशन मत लीजिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। गुड जॉब। पुष्पा जी। यस मैडम। चीता कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई हमारी, बस जैसे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जल्द से जल्द आपको मैसेज कर देगा वो। ओके
सब लोग अलर्ट रहिए, इवेंट शुरू होने वाला है। जी यस मैडम सर। हमारा दिख ही नहीं रहा है मैडम सर, कैसा चूहा निकला, ये तो आ ही नहीं रहा है सामने। पेशेंस करिश्मा सिंह, वो यही है। इवेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आप होशियार रहिए। अब हमारे जजेस इस कॉम्पिटिशन के विनर का नाम अनाउंस करेंगे। सो कॉम्पिटिशन बहुत टफ था और फाइनल्स में जाने वाले नामों पे फैसला लिया जा चुका है। तो थर्ड पोजीशन पे है युक्ति। And the second position goes to Bhavika. And now last but not the least. Any guesses? Santoshi! और आज की विनर है संतोष शर्मा। दोस्त बनकर बहुत अच्छा साथ दिया आपने हमारा मैडम से। दरअसल बात यह है कि आप चाहती नहीं थी कि हम ये केस सॉल्व करें। पुष्पा जी, सोनाली को अरेस्ट करिए। यस मैडम सर। दोस्त समझा, इसलिए सिर्फ रोकना चाहा। चलो, यह सारा खेल सोनाली का रचाया हुआ था। लास्ट मिनट पर वेन्यू बदलने की वजह से ये बौखला गई और उसने डराने के लिए आप दोनों को वो लेटर लिखा। लेकिन जल्दबाजी में सोनाली ने एक गलती कर दी, लेटर सिर्फ खुद के लिए लिखा, आप दोनों के लिए नहीं, और तभी हमें इस पर शक हो गया था।
हमारा शक तब और ज्यादा बढ़ने लगा जब आप दोनों ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया, लेकिन सोनाली डटी रही। मगर मैडम सर, आपको कैसे शक हुआ कि ये खत सोनाली ने ही प्लान किया था? क्योंकि कल रात हम सोनाली के घर गए थे और वहां मिली हमें इसके हाथों की लिखी हुई डायरी। वो डायरी और जो हमें लेटर मिला था, इन दोनों को हमने भिजवाया चीता के पास हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को देने के लिए। पर मैडम, हमें फोन तो किसी आदमी ने किया। Exactly. You're right. और इस बात का जवाब है वो हैंडराइटिंग एनालिसिस की रिपोर्ट जो हमें चीता ने भेजी। इसकी डायरी में जो हैंडराइटिंग थी और जो लेटर पर हैंडराइटिंग थी वो मैच नहीं की। लेकिन उस डायरी में हमें एक और लेटर मिला किसी कबीर नाम के आदमी का, और वो हैंडराइटिंग ओरिजिनल लेटर की हैंडराइटिंग से मैच हो गई। बस फिर इसके बाद तो सारी बात साफ। मगर सोनाली, तुमने ये सब किया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों इस कॉम्पिटिशन से बैकआउट कर लो। मैं हर हाल में ये कॉम्पिटिशन जीतना चाहती थी ताकि फिल्म्स के लिए मेरा रास्ता आगे खुल जाता। गलत इरादों से सही रास्ते नहीं खुलते सोनाली। जिस रास्ते की शुरुआत ही जुर्म से हो, उसका अंत तो सलाखों के पीछे ही होगा ना। अब इतना सब कुछ बताई दिया तो इस बात पे भी रोशनी डालिए कि वो बंदा इवेंट से भागा क्यों। वो एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन था जिसका सोनाली से कोई लेना देना नहीं। मतलब बिना मतलब वो इलेक्ट्रिक शॉक देने जा रहा था? वो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे रहा था, वो बस अपना काम कर रहा था। मतलब आप जानती थी? मतलब आपको सब कुछ पता था पहले से, फिर भी आपने हमें नीचा दिखाया सबके सामने, हमारे ऊपर बंदूक ताना, ये आपका सच्चाई है, ये आपका दोस्ती है? करिश्मा सिंह, आप ये क्या कह रही हैं? ठीक है, माना कि हम सच्चाई जानते थे, लेकिन हमें बस शक था कि इस सब में सोनाली इन्वॉल्व्ड है। वो क्या करने वाली है हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन लास्ट मिनट पर पोडियम पे जाते वक्त जब सोनाली ने एक फोन कॉल किया, तब हमें यकीन हो गया कि वो इन दोनों पर अब हमला करवाने वाली है। इसलिए उस वक्त इन तीनों को धक्का मारकर वहां से हटाना हमारे पास एक ही ऑप्शन था। लेकिन इस सब के बीच आपने एक निर्दोष आदमी पर बंदूक तान दी, इसलिए हमें वही करना पड़ा जो हमने किया। बकवास, सब बकवास है ये, हम नहीं मानते हैं। ये सब आपने अपने इनसिक्योरिटी के चलते किया है। इनसिक्योरिटी? हाँ, इनसिक्योरिटी, क्योंकि आप इनसिक्योर है। इस बार अगर ये केस हम अपने तरीका से सॉल्व कर लेते तो हम SHO बन जाते, वो भी परमानेंट वाला। आप जानती भी हैं आप क्या बोल रही हैं? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, और आपकी किसी भी दलील का असर अब हमारे ऊपर नहीं होगा क्योंकि हमने हसीना मलिक का असली चेहरा देख लिया है। अब आप भी देखेंगे करिश्मा सिंह का असली रूप, और उस रूप का अति प्रचंड भौकाल। कुछ लोचा तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, हम है ना, जाओ। पकड़े नहीं जाएंगे ना? नहीं, हम है ना, जाओ। अरे आप हैं इसलिए डर रही हूँ। कुछ जाओ, जाओ, जल्दी कर दो। ये ऊपर आ जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा। क्या है? क्या भगवान करे जो हमने सोचा है बस वैसा ही हो। जो लेटर हमने लिखकर रखवाया है, हसीना मैडम वो पढ़े और करिश्मा मैडम को माफ कर दे। ये कैसे हो सकता है? आपने लेटर लिखा है तो मैडम सर करिश्मा मैडम को कैसे माफ करेगी? संतु जी, आप समझ नहीं, पुष्पा जी ने करिश्मा मैडम बनकर लेटर लिखा है। कैसे हो सकता है? ये कौन से एंगल से आपको करिश्मा मैडम दिखती है? ऐसे गोल गप्पे खाती पीती करिश्मा मैडम देखी क्या? दो मिनट में पकड़े जाओगी। डोंट डू दिस। बेटा संतु, बनकर लिखना मतलब हमने करिश्मा मैडम की तरफ से लिखा ये खत। अब ये वीडियो कॉल तो है नहीं कि दिखना भी जरूरी है ना? अच्छा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब हमें आदत हो गई है। बस मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि करिश्मा मैडम को ये पता न चले। अगर उनको पता चल गया पर तो पता नहीं क्या होगा, मेरा पता तो शमशान घाट ही होगा। करिश्मा मैडम, जय हिंद मैडम। जय हिंद, क्या चल रहा है? वो हसीना मैडम का काम था तो नहीं आई ना मैडम सर अभी? नहीं, क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? बताइए तो सही, क्या चाहिए आपको? पुष्पा जी नहीं चाहते हमारा आमना सामना हो, फालतू में मूड खराब होगा उनका। हमारा पुष्पा जी, हमारा मूड खराब। अच्छा अच्छा, हम ढूंढ ले फाइल। ये फाइल वो नहीं,
तुमको कैसे मालूम है कि हमको कौन सा फाइल चाहिए? वो हमको मालूम नहीं, लेकिन इतना हमें मालूम है कि आपको जो फाइल चाहिए वो फाइल ये नहीं है। ये वो नहीं है, ये नहीं है वो। अब यही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये फाइल नहीं मिलेगी। पुष्पा जी सुनिए तो, ऐसा मार मनाएगी तो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.